नमस्कार, प्रॉपर्टी मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सिंह। प्रॉपर्टी मंत्रा में हम आपको आपकी जमीन जायदाद से संबंधित जानकारियां देते हैं, साथ ही हमारी ये कोशिश भी रहती है कि आपकी जमीन जायदाद से जुड़ी समस्या का हम हल भी ढूंढ पाए। इसीलिए हम हर सप्ताह आपके लिए लेकर आते हैं आपका अपना प्रॉपर्टी मंत्रा। अगर प्रॉपर्टी मंत्रा से जुड़ने के लिए आप हमें मेल करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर फोन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ताकि हम आपकी आवाज बन सके और आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचा पाए। ये हमारी कोशिश है कि हम आपकी आवाज बने और आपकी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाएं। इसी फेस में आज हम आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी खबरें तो दिखाएंगे ही, साथ ही आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रॉपर्टी से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं नजर। हेडलाइंस किस तरह राजक हैं, मुंह में रजनीगंधा, दिल में है दुनिया। और पल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमानों, उम्मीदों और सपनों का बना होता है। दिल्ली में संपन्न हुआ क्रेडाई कॉन्क्लेव, डेवलपर्स ने सरकार से लगाई सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की गुहार। जीडीपी को दे सकती है रियल्टी मजबूती, क्रेडाई चेयरमैन का दावा। लोकसभा चुनाव का रियल्टी पर भी पड़ेगा असर, लेबर का रहेगा टूटा। रियल्टी नहीं मनरेगा का अब मजदूरों की पहली पसंद। और मंदी के चलते कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेशकों के लिए बेहतरीन ऑफर। ये बात करते हैं चुनाव के वक्त किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 2014 के चुनाव बेशक देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा कुंभ होगा, लेकिन जहां चुनाव के फायदे हैं वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। जी हां, चुनाव के दौरान बहुत से मजदूर अपने अपने घर वोटिंग के लिए चले जाते हैं, जिसका सीधा सीधा नुकसान रियल्टी सेक्टर को उठाना पड़ता है। एक रिपोर्ट देखते हैं, आप खुद समझ जाएंगे। लोकसभा चुनाव का रियल्टी पर असर, देश के 5 लाख मकानों पर पड़ेगा। डिलीवरी में हो सकती है देर। जी हां, 2014 के जनरल इलेक्शन से हाउसिंग सेक्टर में लेबर शॉर्टेज हो सकती है, इससे बिल्डर्स पर प्रेशर बढ़ेगा और देश भर में लगभग 5 लाख मकानों की डिलीवरी में देरी होगी। दरअसल लाखों वर्कर्स इस दौरान चुनाव में वोट देने के लिए अपने गांव लौट जाते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के लोग उन शहरों में काम करने आते हैं जहां मिडिल क्लास और रईसों के लिए मकान बनाने का काम जोरों पर है। ये लोग चुनाव के वक्त गांव वोट देने या पॉलिटिकल पार्टी से मिलने वाले चुनावी तोहफे लेने के लिए वापस आते हैं। अगले साल मार्च मई में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। क्रेडाई के चेयरमैन ललित कुमार जैन कहते हैं हालत गंभीर है, राज्यों में हुए चुनाव में कंस्ट्रक्शन साइकिल पर नेगेटिव असर हुआ है। ऐसा जनरल इलेक्शन में भी हो सकता है। इस बार चुनाव को लेकर खास तौर पर बिहार, एमपी और यूपी में लोगों का जोश कुछ ज्यादा ही है, इसलिए हमें लगता है कि बहुत से वर्कर्स वोट डालने अपने घर जाएंगे। नोएडा की कंपनी सुपरटेक के एमडी आरके अरोड़ा कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स पहले ही लेट हो चुके हैं। सुपरटेक एनसीआर में 40,000 मकान बना रही है। अरोड़ा कहते हैं आगामी चुनाव में लेबर्स की कमी से हालत बिगड़ेंगे, हमें और बायर्स दोनों को दिक्कत होगी। ये स्थिति महीने दो महीने के लिए होगी, लेकिन हालात बहुत गंभीर है।
क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में स्लो डाउन है और देश भर में बहुत से प्रोजेक्ट्स वक्त से पीछे चल रहे हैं। यदि इस इंडस्ट्री के पास वो ताकत है कि वो पूरे इकोनॉमी को ड्राइव कर सके, शुरू कर सके, बाद में फिर सारे चलने के बाद उनकी अहमियत बढ़ जाएगी, तो क्या इस सेक्टर को 4 से 6 हजार रुपए 6 हजार करोड़ रुपया इनकम टैक्स में देता है? और जब ये एटीआईटी सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, ये 4 से 6 हजार के इनकम टैक्स के अधीन इनडायरेक्ट टैक्स मैडम 3 गुना इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ गया। प्रॉपर्टी रिसर्च कंपनी प्रोपीक्यूटी के मुताबिक अभी 9,30,000 अंडर कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल यूनिट्स में लगभग आधे के पूरा होने में 18 महीने की देरी हो सकती है। प्रॉपर्टी मंत्रालय डेस्क साधना न्यूज। समझना होगा इन सारी चीजों को, किस तरह से सारी चीजें होंगी, क्योंकि मजदूरों के टोटे की बात चल रही है। और रविंद्र कुमार गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। रविंद्र, हम आपसे यह समझना चाहेंगे कि मजदूरों के टोटे की बात यहां पर जरूर चल रही है, लेकिन अगर हम ये कहें कि सच्चाई इसके पीछे की अगर जानना चाहें, तो कितने दिन के लिए मजदूर छुट्टी पर जाएंगे? 10 से 15 दिन की भी अगर छुट्टी वो लेते हैं, तो इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि एक लंबा अंतराल 18 महीने का वहां पर देरी हो सकती है? इस तरह की जो बातें हैं, इसमें सच्चाई हम समझना चाहेंगे आपसे। नहीं रविंद्र, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि असल में हकीकत ये है कि जो क्रेडाई का जो कॉन्क्लेव 2013 जो हुआ 2013 का हुआ, उसमें कई मुद्दों पर बात की गई। उसमें एक सेक्टर ये भी था, एक उसमें हिस्सा ये भी था कि अगले साल 2014 में कई पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और उसमें इसका रियलिटी के सेक्टर में, क्योंकि लेबर जो है वो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सब जगह से आती है, तो उसमें अगर लेबर अगर अपने घर चली जाती है वोटिंग के लिए, तो उसका रियलिटी पर असर पड़ता है। और उसका एक आंकड़ा देते हुए ललित जैन ने, जो क्रेडीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 5% तक का स्लो डाउन आता है डिलीवरी के अंदर। और सीधा सीधा सा उनका एक और चिंता थी कि इस मामले पर, क्योंकि मजदूरों को लेकर के अभी तक कोई एक राय नहीं है, मजदूर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रियलिटी के सेक्टर में काम करते हैं, तो इसे लेकर के एक मसौदा एक तैयार पूरे रियलिटी सेक्टर को जरूर कर लेना चाहिए। और रही बात देर से प्रोजेक्ट डिलीवरी करने की बात, तो इस पर एक काफी लंबी चर्चा और बैठक रही है कॉन्क्लेव में। अगर बात करें देरी की रविंद्र, तो इसमें सीधा सीधा सा जितने भी जो डेवलपर वहां मौजूद थे, उन्होंने सीधा सीधा सरकार की नीतियों पर ही सवाल खड़े किए और कहा कि जब तक सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस लागू नहीं होगा, पूरे रियलिटी सेक्टर में जो डिलीवरी को लेकर के जो सवाल उठाए जाते हैं, उसमें लगातार देरी होती रहेगी। रवि, हम चाहेंगे सिंगल विंडो सिस्टम, जरा आप हमें दर्शकों को समझाएं। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत जो बिल्डर हैं, वो ये चाहते हैं रविंद्र की 48 लाइसेंस लेने होते हैं, उसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस है, टाइटल है, और इसके अलावा लोन है और दूसरी जो चीजें हैं, उनके 48 क्लियरेंस एक डेवलपर को, एक बिल्डर को लेने पड़ते हैं। डेवलपर और बिल्डर ये चाहते हैं सरकार से कि ये सभी जो जितने भी जो लाइसेंस हैं, वो सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से मिलने लगे, ताकि उनका समय बचे। बिल्कुल, तो इसमें कमी कहां पर आ रही है, किस जगह पर जो है पेच अटका हुआ है? देखिए रविंद्र, इसमें पेच कई जगह अटका हुआ है, क्योंकि सरकार की नीति है, उसमें एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अलग है और जो लैंड और जो डेवलपमेंट जो वो है वो सेक्टर एक अलग है, तो कुल मिलाकर के सभी अलग अलग मंत्रालय हैं, अलग अलग हिस्से हैं और सभी अपना ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन डेवलपर जो प्राइवेट डेवलपर हैं, वो ये चाहते हैं कि उन्हें कम से कम जो पेपर वर्क है वो करना पड़े, कम से कम उन्हें जो सरकार के ऊपर उनकी जो डिपेंडेंसी है, जो प्रोजेक्ट क्लियरेंस को लेकर के उनकी डिपेंडेंसी है, वो खत्म हो जाए और उन्हें तुरंत सारी चीजों पर क्लियरेंस मिल जाए। रविंद्र, तो क्या इस तरह का अभी कोई प्रावधान, या कब तक ये पूरा की मसौदा पूरा मामला सुलझ पाएगा? सरकार की नीतियों पर अगर सवाल यहाँ खड़े किए हैं, तो क्या सरकार की तरफ से जो व्यक्ति मौजूद था वहां पर, उसने कोई इस तरह का आश्वासन दिया कि आने वाले वक्त में इस तरह की चीजों को और सहज बनाया जाएगा, ताकि किसी तरह की दिक्कतें ना आए? देखिए अगर रविंद्र, अगर इस खास जगह खास प्रोग्राम की बात करें जो क्रेडीआई कॉन्क्लेव का था, तो उसमें तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो मौजूदा जो सरकार है उनसे शिकायत ही ज्यादा की है, और आने वाली सरकार से ये वादा लेने की कोशिश की है, क्योंकि उधर जो बीजेपी है उनके कई दिग्गज नेता वहां मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने ये शिकायत रखी कि अगर आप हमें सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस के तहत अगर सारी चीजें मुहैया करवाते हैं, तो रियलिटी एक ऐसा सेक्टर है
रियलिटी पर चलता है, तो एक तरह से एक बड़ा हिस्सा है रियलिटी रियलिटी का जीडीपी में, तो उसका आश्वासन दे करके जो जो डेवलपर है उन्होंने ये बात कही कि अगर वो सिंगल विंडो क्लियरेंस अगर देते हैं तो आने वाले समय में जीडीपी बेहतर होगी। रविंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये भी देखना होगा कि निवेशकों के लिए क्या कुछ खास है, क्योंकि बिल्डर्स डेवलपर्स और सरकार की जहां तक बात आती है तो जितना भी लेखा जोखा कागजों में रहता है वो डेवलपर्स तक ही सीमित रहता है, सरकारों तक सीमित रहता है, अथॉरिटी तक सीमित रहता है, लेकिन निवेशक थका सा रह जाता है जब उसके साथ इस तरह की कोई घटना। देश का रियल्टी सेक्टर 40% से भी ज्यादा लेबर शॉर्टेज के कहर से जूझ रहा है, जिसकी वजह से रियल्टी सेक्टर में डेवलपर्स को लेबरर्स यानी कि मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मजदूरों की पहली पसंद मनरेगा बनता जा रहा है। वह रियल्टी सेक्टर में मजदूरों की कमी के चलते इसका असर प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ रहा है। रियल्टी में लेबर शॉर्टेज, मनरेगा है मजदूरों की पहली पसंद। जी हाँ, रियल्टी सेक्टर में लगभग 1 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, इनमें से ज्यादातर किसी कंपनी के कर्मचारी नहीं है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री कई कारणों से पहले से ही 40% लेबर शॉर्टेज से जूझ रही है। ये शॉर्टेज दशक के अंत तक 40% तक पहुंच सकती है। सरकारी रोजगार कार्यक्रम मनरेगा के चलते भी बहुत से लोग अपने गांव लौट गए हैं, इससे वे अपने घर के पास काम कर सकते हैं और उनको अच्छी खासी मजदूरी भी मिल जाती है। बिहार जैसे राज्यों का डेवलपमेंट भी एक फैक्टर है। पहले यहाँ से आधे मजदूर बाहर जाते थे, लेकिन हाल के वर्षों में ये घटकर 50% रह गया है। इसकी वजह राज्य सरकार का बड़ा खर्च है। इससे शहरों में लेबर कॉस्ट 35% से 50% तक बढ़ गई है। बहुत से डेवलपर्स को अपना प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने में दिक्कत आ रही है। एक हमारी संस्था है जिसमें ऑल ओवर इंडिया के डेवलपर्स एसोसिएशन की मेंबर्स हैं, मोर देन 9000 इसके मेंबर्स हैं और 137 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इसके सारी एसोसिएशन हैं। तो ये साल में हम एक बार जो है इसका कॉन्क्लेव करते हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर। जस्ट जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं जो या जो हमारी डिमांड्स हैं उसको सही राइट प्लेटफॉर्म पे रखना और उन तक पहुँचाने के लिए इसका मेन मकसद ये होता है। और इस बार का जो हमारा थीम है वो गेम चेंजर, द हाउसिंग कैन बी ए गेम चेंजर। उसका मेन मकसद हमारा यही है कि जैसे लाइक अदर कंट्रीज चाइना में 20% अप्रॉक्सीमेटली जीडीपी ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है ये सेक्टर, तो इंडिया में भी कर सकता है जो करंटली अभी 6-7% कर रहा है। अगर पॉलिसी ठीक हो, ट्रांसपेरेंट हो, प्रोसेस ऑफ अप्रूवल्स ठीक हो, तो एक बिग बूस्टर हो सकता है पूरी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम मोर देन 300 इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली टच करते हैं। तो एक सेक्टर को अगर ठीक से ठीक किया जाए तो एंटायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंटायर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकती है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज के रिसर्च के मुताबिक राज्य से लेबर माइग्रेशन पिछले कुछ वर्षों में 25-30% घटा है। लोग बड़े शहरों की तरफ भागने की बजाय राज्य में ही सरकारी प्रोजेक्ट्स या मनरेगा स्कीमों में काम ढूंढ रहे हैं। क्रेडाई के मुताबिक इस समय कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 1 करोड़ वर्कर्स की कमी है। इकोनॉमिक्स विवेक देवराय कहते हैं राज्य और लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में वर्कर्स अपने घर लौटते हैं, काम रुक जाता है, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं होता। प्रॉपर्टी मंत्रा डेस्क, साधना न्यूज। विश्व के बहुत कम ही कमर्शियल रियल एस्टेट बाजार में भारत की तरह कम समय में इतना नाटकीय बदलाव देखने को मिला है। अगले कुछ वर्षों के दौरान सेवा और नॉलेज सेक्टर में तेजी देखी जा सकती है, जिससे कमर्शियल रियल एस्टेट के रिटेल निवेशकों को भरपूर अवसर मिल सकते हैं। कैसे करें कमर्शियल एस्टेट में निवेश, कम समय में कमाएं मुनाफा। सरकार ला रही है REIT। जी हाँ, अब सरकार ला रही है REIT, जिसके बाद रियल एस्टेट में निवेश के लिए अगर मंजूरी मिल जाती है तो इस योजना के तहत विभिन्न निवेशकों द्वारा जुटाए गए पैसों का निवेश प्राथमिक तौर पर पूर्ण हो चुके ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश कर पाएंगे जहां से आय होती हो, जिसके बाद प्राप्त मुनाफे के एक बड़े हिस्से का वितरण अपने निवेशकों के बीच हो पाएगा।
इससे न सिर्फ बड़े निवेश होंगे बल्कि निवेशकों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन कमर्शियल निवेश से पहले ये समझना आवश्यक है कि सेक्टर में किस तरह से निवेश किया जाए। निवेश के माध्यम कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश के तीन तरीके हैं। डेवलपर से सीधे सीधे ऑफिस स्पेस की खरीदारी कीजिए। शेयर बाजार से कमर्शियल डेवलपर के शेयरों को खरीदा जा सकता है या फिर ऐसे रियल एस्टेट फंड में निवेश किया जा सकता है जो विशेष रूप से कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश करता हो। निवेश की राशि अधिक होने के कारण खरीदार को सोचा समझा निर्णय लेना चाहिए। एक दूसरा विकल्प भी है, छोटे कमर्शियल यूनिट में निवेश के फायदे। ऐसे यूनिट के लिए किराएदार ढूंढना आसान रहता है। ऐसे स्पेस का इस्तेमाल निवेशक चाहें तो अपने कारोबार की शुरुआत के लिए भी कर सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्यों करें निवेश? कमर्शियल प्रॉपर्टी की रेंटल यील्ड आमतौर पर 9-11% होती है। दूसरी ओर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की रेंटल यील्ड 2-3.5% होती है। अगले 5 वर्षों के दौरान भारत में ऑफिस स्पेस की मांग 2,000 लाख वर्ग फीट रहने वाली है। वैश्विक आर्थिक संकट के बाद मुंबई जैसे बाजार में कीमतों में 35-40% की कमी आई है और माइक्रो मार्केट में तो ये अपने निचले स्तर को छू चुका है और ये निवेशकों के लिए कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश करने का बेहतरीन अवसर है। याद रखिए कि आप न केवल प्रॉपर्टी को बढ़ी हुई कीमतों पर बेचकर लाभ अर्जित कर सकते हैं बल्कि अच्छे स्थान पर लिए गए ऑफिस या दुकान से आपको नियमित रूप से किराया भी मिलता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तुलना में कमर्शियल प्रॉपर्टी से कहीं अधिक किराया प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पूंजीकरण की दर ही वास्तव में प्रॉपर्टी की मांग का मानदंड होता है। वैसे निवेशक जो होमवर्क कर सकते हैं उनके लिए कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश करना अधिक रिटर्न देने वाला साबित होगा। प्रॉपर्टी मंत्र डेस्क साधना न्यूज। और प्रॉपर्टी मंत्र से अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर फोन भी कर सकते हैं। आपके अगर कोई भी समस्या हो तो उसको लेकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल प्रॉपर्टी मंत्रा में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।